खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर नगर पालिका के समक्ष 27 सूत्रीय मांगों को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन किया। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने शासन प्रशासन से आंदोलनकारियों की मांगों की ओर ध्यान देकर उनके त्वरित निस्तारण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को आंदोलनकारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए समाज को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कानून व्यवस्था की तरह की स्थिति नियंत्रण में रह सके। नागरिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना लगाए हुए हैं, कई दिनों से देख रहा हूं। जिस तरह से माइनॉरिटी के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय का आगे धरना दिया, अपने मांग पत्र दिए, मैंने समय पे एसडीएम साहब को, स्थानीय प्रशासन को इस बारे में संज्ञान लेने के निर्देश, बात चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है, राज में बैठा हुआ चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, जनता की समस्या का समाधान करने की ड्यूटी हमारी है। और अगर कहीं भी जनता को ये लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये एक आंदोलन का तरीका होता है कि पुतले जलाना करना, ये काम आंदोलनकारियों का होता है। इस चीज से बचने के लिए टेबल टॉक में पहल जनप्रतिनिधियों करनी चाहिए, ये मेरा मानना है।